हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। आज एक्चुअली हुआ क्या, सुबह उठने के बाद जब टंकी में पानी नहीं था, मोटर ऑन कर रहे हैं तो मोटर ऑन ही नहीं हो रहा है। तो मोटर ऑन नहीं हो रहा है तो बड़ा दिक्कत है। किसी तरह बगल वाले घर से बाल्टी में पानी ला के ब्रश वगैरह करके चाय पी के थोड़ा सा ब्रेन को थोड़ा स्थिर कर रहे हैं। स्थिर करने के बाद प्लम्बर को, हालांकि प्लम्बर को फोन कर दिया है। प्लम्बर बोला कि भैया जी आ रहे हैं 2 मिनट में, उसके बाद तब तक मोटर ठीक हो जाएगा। तब मोटर ठीक हो जाएगा तब तक तो प्रॉब्लम है। घर में नाश्ता वगैरह सब बंद है, कुछ नहीं हो रहा है घर का काम। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है मोटर में। एक्चुअली हुआ क्या, मोटर में ऑन कर रहे हैं, मोटर ऑन हो रहा है लेकिन मोटर पानी सप्लाई नहीं दे रहा है। तो देखेंगे जब आएगा वो प्लम्बर तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। आप लोग को भी दिखाते हैं कि जाके क्या, अगर इस तरह मेजर प्रॉब्लम है तो आप लोग भी प्लम्बर के साथ बात करके इस तरह बता सकते हैं। एक्चुअली मेरा मोटर है कुआं के अंदर, तो इसीलिए थोड़ा सा उतना लफड़ा नहीं है। अगर बोरिंग रहता तो ज़्यादा लफड़ा था। चलिए देखेंगे जब आएगा तो आप लोग को भी दिखाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्लम्बर आ चुका है और अपना जो मोटर है कुआं के अंदर उसको धीरे धीरे बाहर निकाल रहा है। तब तक देखते हैं, तब बने रहें वीडियो के साथ। इतना पाइप निकल चुका है, पाइप सब ना वहाँ पे सब टुकड़ा हो गया था कट के। ऊपर से जो धसा ना पहाड़ ब्लास्टिंग किया ना, मेरा पत्थर सब ना सब पाइप टाइप कट। इसको स्लाइड इसको हटाना है। इक्केले को खोलो और चाहिए इधर से करो, इधर से इधर से करो, इधर खाएंगे। हाँ उधर यही कट गया है। आप चलो करता हूँ। हाँ आऊंगा, चलो चल पकड़ो मोटर पकड़ो। दिया मिट्टी पूरा लग गया। पीतल का नहीं आता है ना, बोला लोहे का। दोनों पर रहता है ना तो ऑब्जेक्टिव लगता है। प्लास्टिक वाला में नहीं टिकेगा ये, प्लास्टिक वाला में हाँ प्लास्टिक रंग ठीक। मन शांति होगा। मन शांति टूट जाने से ना बहुत दिक्कत करता है। करेगा ये हो गया, मरा गया पाइप तो चिपक गया लास्ट में। ये जो देख रहे हैं आप लोग बीच में सफेद वाला नया, इसी को लगाया गया है, इसी के कारण पानी लीक। कंप्लीट हो चुका है, अब आप लोग देख पा रहे हैं कि ये धीरे धीरे पूरा फिटिंग हो चुका है और लास्ट बाकी है। सारा पाइप अंदर डला गया है, वो मोटर का टंकी के साथ कनेक्शन किया जा रहा है। अब ये फाइनली मोटर स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें पानी
आ रहा है कि नहीं, अब नल खोल के इसको देखना पड़ेगा, तो थोड़ा नल खोल के चेक करते हैं। देखिए ये पानी आ रहा है, इसमें सब फिटिंग होने में लगभग 2 घंटा लग गया है, आखिरकार चालू हो गया। चालू होने के बाद थोड़ा सा राहत है, स्नान स्नान करके आए हैं। देखिए बल्ब सब भीगा हुआ है, अब थोड़ी देर में खाना वाना बनेगा, खाना वाना खा के फिर निकलेंगे कहीं बाहर। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो है जाके नहीं डाल पा रहे हैं, उसको कोशिश करेंगे डालने का। और टोटल इसमें जो एस्टिमेट कॉस्ट आया प्लम्बर को 900 रुपया देना पड़ा, और जो सामान वगैरह आया वो टोटल 350 रुपये का आया। आपको उसमें दिख रहा होगा जो एक पाइप जो कटा हुआ है, टूटा हुआ है, एक्चुअली वही पाइप कट गया था और पानी वहीं से आके आपका फिर वहीं पे नीचे ही गिर रहा था, इसके कारण हमको पानी नहीं मिल रहा था, ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा था। मोटर तो चल रहा था, पानी भी आ रहा था, लेकिन नीचे से पानी उठा के नीचे ही डाल देता था। तो चलिए फिर मिलेंगे। तो अब 1350 रुपया कॉस्ट अब देना पड़ेगा, और दे भी चुके हैं, क्या करें, रोज़ रोज़ नहीं होता है, बार्गेनिंग करना इन लोगों से सही नहीं है, क्योंकि जब बड़े मॉल में जाते हैं, बड़े कपड़े लेते हैं कीमती, तो वहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होता है। तो ये गरीब आदमी प्लम्बर है, इससे कितना बार्गेनिंग कर सकते हैं, ये सही नहीं लग रहा है। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि ऐसे जो मजदूर हैं, मजदूर ही हैं, दिहाड़ी मजदूर टाइप के, ये इनसे बार्गेनिंग उतना ना करें, थोड़ा बहुत चलेगा, ज़्यादा ना करें। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।